सवाल फर्स्ट कौन क्वेश्चन सा? है कि मैंने बीएससी के 25 शेयर लिए हुए हैं। हाँ, किस भाव पे लिए मैम? अनुष्का मैम, किस रेट पे लिए हुए हैं 25 शेयर्स? 439.20 पे। हाँ जी और ये लंबी अवधि के लिए थे, है ना? बीएससी तो उसी तरह का स्टॉक है। यस सर। ठीक बात भाई। आशीष जी, क्या करा जाए, बढ़िया ट्रेड है जो हस्बैंड ने लिया, अनुष्का मैम ने मिलके लिया होगा आई एम अज्यूमिंग। 25 शेयर 440 की खरीद, 200 रुपए मेरी बाइंग से ऊपर चल रहा है, 645 पे खड़ा हुआ स्टॉक। क्या करना चाहिए मुझे? रखे रहूं, मुनाफा बांधू, रणनीति क्या होगी? ये अच्छी प्रॉफिट पोजीशन है, आपको आउटलुक अच्छा लग रहा है तो और भर लूंगा। इनफैक्ट मेरी स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी अनुष्का मैम को, और इनफैक्ट जो भी नए निवेशक हैं जो इस सेक्टर में दोबारा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पिछले एक साल में बीएसई हो, सीडीएसएल हो या दूसरे स्टॉक हो ब्रोकरेज, जिसके उन्होंने सभी ने अंडर परफॉर्म किया था और अब दोबारा से परफॉर्मेंस शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे एनएसई का वैल्यूएशन बढ़ रहा है और एनएसई का वैल्यूएशन और बढ़ेगा अभी, क्योंकि उन्होंने जो गिफ्ट सिटी में निफ्टी को ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, तो उसका बहुत बेनिफिट बीएसई को भी मिलने वाला है, क्योंकि पीयर सेट का एवोल्यूशन बढ़ता है तो बिल्कुल उसको भी बेनिफिट होगा। मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में आप बने रहिए, और जो नए निवेशक इस स्टॉक में निवेश करने का सोच रहे हैं 625 रुपये के आसपास अब समय आ गया है दोबारा से बीएसई को एक्यूमुलेट करने का, तो किसी भी गिरावट पे स्टॉक को बाय। गिरावट पे खरीदारी करने का मतलब अनुष्का मैम, आपको तो होल्ड करके चलना है इस स्टॉक को।